भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं हाई ग्राफिक्स गेम फॉर लो एंड पीसी लैपटॉप, तो भैया आप सही वीडियो पे आए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो भैया आपको कुछ ऐसे 20 गेम खेलने को मिलेंगे जिनका ग्राफिक्स क्वालिटी एकदम हाई है एंड रियलिस्टिक। चैनल पर नए हैं या आपके प्यारे रसगुल्ले दोस्त ने इस वीडियो को शेयर कर दिया है या सब्सक्राइब करके जाना है, जो अंगूठा लाइक बटन है उसे दबा देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। जी हां दोस्तों, अमेजिंग स्पाइडरमैन ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर हाई ग्राफिक्स वीडियो गेम है। काफी ज्यादा फाइटिंग स्किल आपको देखने को मिले। तो भैया ये स्पाइडरमैन गेम आप ही के लिए बना हुआ है, क्योंकि जब आप इस गेम को प्ले करोगे तो भैया आपको लगेगा कि नहीं अपन अब गेम खेल रहे हैं, पूरा आपको रियल लाइफ व्यू का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। क्योंकि लिए इस गेम में हमें टोटली ओपन वर्ल्ड सिटी देखने को मिल जाता है। इट्स मीन जो इस गेम का जो मैप है वो टोटली ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बेस है। इस गेम में आपको काफ़ी ओपी ओपी यहाँ पर आपको स्टोरी देखने को मिल जाती है। जो हमारा मेन किरदार रहता है पीटर पार्कर, आप उसका रोल प्ले करते हो इस गेम में। एंड आपका जो सिटी रहता है आपको उसे प्रोटेक्ट करना रहता है बदमाशों से, या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट या रॉबरी हो जाता है तो यहाँ पर आपको अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया यहाँ पर रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर ड्यूओ में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 9 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आपका मन मान रहा है चलो यार प्ले करके देख ही लिया जाए भाई, तो नीचे लिंक है, आप वहां से इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्ट्रेंगर होल्ड। तो स्ट्रेंगर होल्ड की बात करें तो भैया एक थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है। अगर आप एक शूटिंग गेम में इंटरेस्ट रखते हो जो कि ओपन वर्ल्ड हो तो भैया स्ट्रेंगर होल्ड सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि इस गेम में आपको पूरा एक्शन से भरा हुआ धमाका देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इस गेम का जो मैप है वो भी यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। इस गेम में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाता है। गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी यहाँ पर अच्छा खासा ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आपके लो एंड पीसी लैपटॉप में, अगर आप कोई एक अच्छा गेम हाई ग्राफिक्स वाला खेलना चाहते हैं। आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें सच बताऊँ तो कोई नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर ड्यूओ में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र सिर्फ 5 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। क्या मन कर रहा है इंस्टॉल करने का? तो भैया किसके लिए वेट कर रहे हो, नीचे लिंक है, चेक इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। हमारा थर्ड गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है स्नाइपर लाइट 3। एंड वेल गाइस स्नाइपर की बात करें तो भैया एक ओपन वर्ल्ड थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है। बेसिकली इस गेम में आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो एंड अपने अपोनेंट एनिमी को यहाँ पर आपको स्नाइप करना रहता है, मतलब के बेस को यहाँ पर आपको स्नाइपर के थ्रू तबाह करना रहता है। एंड सच बताऊं तो यार इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो काफ़ी ओपी है। इस गेम को खेला नहीं है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके खेलना, काफ़ी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। मैप काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भाई कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल पेंटियम में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 18 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन मान रहा है चलो यार एक बार इंस्टॉल करके देख ही लेते हैं, यार भाई देखना चाहिए आपको, काफ़ी ओपी गेम है। तो लिंक है नीचे वेबसाइट का, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो बोल गए पढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। जो हमारा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है असैसिन क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग। गेम की बात करें तो भैया गेम पूरा पायरेट बेस है। पायलट बेस गेम खेलना चाहते हैं तो भैया असैसिन क्रीड 4 ब्लैक फ्लैग सिर्फ आप ही के लिए बना है। क्योंकि इस गेम में आपको एक्शन से भरा हुआ एडवेंचर मिलने वाला है। एंड साथ ही साथ जो आप गेम खेलोगे तो यहाँ पर आपको जो एनवायरनमेंट मिलने वाला है, ओपन वर्ल्ड व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ऑसम मिशन देखने को मिलने वाले। सिटी में जो ट्रैवल करोगे, जो 3 सिटी इसमें एडेड है वो सभी रियल लाइफ है, मतलब पूरा आपको जो वो सिटी है वो एग्जिस्ट करती है। काफ़ी हाई ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर गेम्स। सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है तो काफ़ी आसानी
ऑनलाइन तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं अवेलेबल कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 30 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो देर किस बात के लिए रुके हो यार, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर ले सकते हो। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे 5th गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस जो हमारा 5th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बायोशॉक इन्फिनिट। एंड बायोशॉक इन्फिनिट की बात करें फर्स्ट पर्सन शूटिंग हाई ग्राफिक्स वीडियो गेम है आपके लो एंड पीसी लैपटॉप के लिए। बेसिकली इस गेम को पब्लिश किया गया 2K गेम्स के द्वारा। गेम की बात करें तो भैया आप एक फ्लोटिंग सिटी में आप मिशंस कंप्लीट करते हो जिस सिटी का नाम रहता है कोलंबिया। फ्लोटिंग सिटी क्यों बोलते हो वो गेम खेलोगे तो ही आपको पता चलेगा। ट्रस्ट मी दोस्तों, गेम का जो एंडिंग एंड स्टार्टिंग है दोस्तों वो काफ़ी ओपी है। ज़रूर से आप इस गेम को ट्राई करना। अगर आप इस गेम को एक बार खेलते हो तो भैया मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ कि इस गेम को आप ख़त्म किए बगैर इस गेम को आप क्लोज नहीं करोगे, क्योंकि इस गेम में आपको काफ़ी ओपी यहाँ पर आपको मिशंस देखने को मिल जाते हैं। एंड ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया नेक्स्ट लेवल का ग्राफिक्स क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाता है। जो सिटी रहता है दोस्तों वो ओपन वर्ल्ड रहता है, यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है। आपकी सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो भैया मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 MB है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 20 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने पीसी लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। मान रहा है मन को ना तोड़ो, नीचे लिंक है दबा के गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 6th गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस हमारा 6th गेम निकल के आता है वो हमारा एक बेसिकली रेसिंग गेम है। तो वेल गाइस इस गेम का नाम है ब्लर। ब्लर की बात करें तो भैया एक हाई ग्राफिक्स आर्केड रेसिंग गेम है। तो वेल गाइस अगर आप एक अच्छा रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाला रेसिंग गेम खोज रहे तो ब्लर सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि जब आप इस गेम को प्ले करते हो अपने लो एंड पीसी लैपटॉप पे तो यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट लेवल का ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिल जाता है। एंड गेम आपके लो एंड पीसी लैपटॉप पे काफ़ी मक्खन जैसा चले, यहाँ पर आप रेसिंग करोगे तो भैया जो एनवायरनमेंट मिलता है वो टोटली ओपन वर्ल्ड मिलता है। एंड ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीके से उपलब्ध है। इनफैक्ट इसे आप मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऑनलाइन खेल सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ट्रैक्स देखने को मिल जाते हैं विथ डिफरेंट सिटी। तो बल्कि इस गेम को जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें कोई नीड नहीं है। स्पेस की बात करें तो भैया 14 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल आर पेंटियम में गेम आराम से चल जाएगा। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो भैया किस लिए वेट कर रहे हो, नीचे लिंक है, वन क्लिक करो एंड इस गेम को इंस्टॉल करो। तो बल्कि बढ़ते हमारे 7th गेम के ऊपर। निकल के आता है उस गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी घोस्ट। एंड जी हाँ दोस्तों, अब यार लास्ट में घोस्ट आ गया, कुछ लोगों में भाई ये भूतिया गेम है, बट ऐसा नहीं है। कॉल ऑफ ड्यूटी घोस्ट की बात करें तो भैया ये एक 2013 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जहां पर आप एक US आर्मी के सोल्जर का किरदार निभाते हो। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मिशंस दिए जाते हैं। एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ पर आप अलग अलग जो वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में यहाँ पर आप ट्रैवल करोगे, काफ़ी मज़ा आने वाला दोस्तों। आप बात कर लेते भैया इस गेम का नाम घोस्ट क्यों रखा गया, क्योंकि यार जाहिर सी बात है कुछ लोग बोलेंगे भाई भूतिया गेम है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। यूएस आर्मी का एक बटालियन आप बोल सकते हैं जिसका नाम घोस्ट रहता है। काफ़ी टफ सोल्जर रहते हैं, काफ़ी हैवी ट्रेनिंग एंड काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग लेके तब वो जाके उस यूनिट पे ज्वाइन होते हैं होने वाला है। एंड काफ़ी फ्यूचरलिस्टिक गेम है दोस्तों। गेम आपका 10 साल से युद्ध चल रहा है, तो अगर आप अभी घुस के युद्ध करना चाहते हैं तो यार रियल लाइफ का मज़ा आएगा, एक बार ट्राई कर लेना। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। को अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। भाई मेरे को तो नहीं मिला, बट अपन इसमें अपन ट्रैवल कर लेंगे। बल्कि इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 40 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन मान रहा है चलो यार अपन भी घोस्ट यूनिट पे ज्वाइन हो जाते तो देर किस बात की, भैया नीचे लिंक है, जाओ ना इंस्टॉल कर लो ना। तो बल्कि इस बढ़ते हमारे 8th गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा 8th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है फार क्राई 3। फार क्राई 3 की बात करें तो भैया एक पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है जिसमें कि आपको काफ़ी हाई एंड रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। बेसिकली गेम एक रूफ आइलैंड पे बेस है जहाँ पर सिन के भाई को पायलट लाइसेंस मिल जाता है, तो इसी खुशी में वो
लोग रूफ आइलैंड जाते हैं, पार्टी वार्टी शार्टी मनाते हैं, बट ट्विस्ट जब आता है जब वो लोग स्काई डाइविंग करते हैं, तो भैया उतरते टाइम और सही मौका में अगर आप नहीं करते हो तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो वो गलत आइलैंड में उतर जाते हैं एंड वहाँ पर एक वास नाम का एक पायलट का कब्जा रहता है आइलैंड पे एंड उनको किडनैप कर लेता है। देन आफ्टर यहाँ से जो स्टोरी चालू होता है वो उस आइलैंड पे, रूफ आइलैंड पे पूरा मारा मारी होता है। यार आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए अगर आप एक एडवेंचर से भरा हुआ गेम खेलना चाहते हैं। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिलने वाला है, सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है। कि सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें, रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 मिनट है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर ट्यूडियो में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 15GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो यार अगर आपका मन मान रहा है, देखो यार मन को मानना नहीं चाहिए, एक बार इस गेम को जस्ट ट्राई करना चाहिए। तो किस बात के लिए कहो, नीचे लिंक है, जाके इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेलकम, इस बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। राइट, तो वेलकम, जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ग्रेट ऑटो स्पोर्ट। ग्रेट ऑटो स्पोर्ट की बात करें तो भैया एक रेसिंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया था कोड मास्टर के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें वाइल यहाँ पर यार गेम में तो रेसिंग करना है वो तो यार तय है, बट जब यहाँ पर आप रेसिंग करोगे जो आपको एनवायरनमेंट मिलेगा वो टोटली ओपन वर्ल्ड का मिलेगा। और इस गेम की सबसे अच्छी बात ये है कि गेम पुराना होने के साथ अभी भी ये मल्टीप्लेयर है, मतलब इसमें आपको मल्टीप्लेयर मोड देखने को मिल जाता है। दोस्तों गेम काफी ओपी है, ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी हाई ग्राफिक्स का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होने वाला है अगर आपके पास एक लो एंड पीसी लैपटॉप। रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 भी नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 15GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर मन मान रहा है, मन को मानना नहीं चाहिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक इंस्टॉल कर लो। तो वेलकम, इस बढ़ते हमारे 10th गेम के ऊपर। 10th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है जस्ट कॉज 2। एंड जस्ट कॉज 2 की बात करें तो भैया एक 2010 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है एवलांस स्टूडियो के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया है इडोस इंटरएक्टिव के द्वारा। गेम पुराना है बट अभी भी काफी इस गेम का हाइप देखने का आपको मिल जाएगा। ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं, फ्रीली इधर से उधर भटक पिटक सके, एंजॉय कर सके, तो भैया जस्ट कॉज 2 सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि इस गेम में आपको पूरा फ्रीली यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है एंड जो इस गेम में आपको मिशंस देखने को मिलते हैं यार काफी ओपी मिशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। आफ्टर मिशन कंप्लीट करने के बाद आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक पटक सकते हो एंड इस गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी। अगर आपके पास एक लो एंड पीसी लैपटॉप है तो भैया ये गेम आप ही के लिए बना हुआ है, जरूर से इस गेम को ट्राई करना। गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। जो उसका मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है बात करें तो भैया 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 56MB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 10GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, देर किस बात की, नीचे लिंक है, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस, बढ़ते हम 11th गेम के ऊपर। जो हमारा 11th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मैड मैक्स। एंड मैड मैक्स की बात करें तो भैया एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। यहाँ पर सभी कंट्री, जितने भी कंट्रीज रहते हैं वो एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉर से उड़ा देते हैं, तो जो पूरा वर्ल्ड रहता है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, बस सिर्फ रेगिस्तान बनता है। तो यहाँ पर एक बंदा रहता है जिसका नाम मैक्स रहता है, तो बेसिकली वो एक पुलिस ऑफिसर रहता है एंड जब ये एवोल्यूशन हुआ, जब ये बर्बादी हुआ, न्यूक्लियर वॉर हुआ, तो उसमें उसकी फैमिली वो खो देता है उन्हें, जो कि आदमी लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ पर अब जो मेन स्टोरी दोस्तों जो स्टार्ट होता है, यहाँ पर अब जो मैक्स रहता है वो जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा के रेस्क्यू करता है एंड एमोडन के चंगुन से भागने का कोशिश करता है। एंड वाइल्ड यहाँ पर जब आप मिशंस कंप्लीट करोगे मेरे भाई, तो पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक रेगिस्तान की वादियों में रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, एक हेल का एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो भैया ये मैड मैक्स गेम सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। चूंकि यार काफ़ी ओपी गेम है एंड जो इसका मिशन है सबसे अच्छा, तो यार काफ़ी इमोशनल मिशन है एंड आपको ज़रूर से एक बार इस गेम को ट्राई करना चाहिए अगर आप एक एडवेंचर से भरा कोई एक ओपन वर्ल्ड गेम खोज रहे हो, तो मैड मैक्स सिर्फ आप ही के लिए बना। एंड इसका ग्राफिक क्वालिटी काफ़ी ओपी है यार, रियलिस्टिक ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। रैम की बात करें तो यार रैम की बात करें तो मतलब 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 मिनट है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें
तो i5 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 20 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन मान रहा है चलो एक बार इंस्टॉल कर ही लेते हैं, तो भैया लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 12th गेम की ओर। 12th नंबर वाला गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है माफिया 2। एंड माफिया 2 की बात करें 2010 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया 2K गेम्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो गेम पूरा ओपन वर्ल्ड है दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। एंड बेसिकली यहाँ पर जो आपका मेन किरदार रहता है, आप एक माफिया का किरदार निभाते हो, पास दिए जाते हैं। एंड वाइल्ड जब आप यहाँ पर आप यार जब गेम कंप्लीट करोगे, सिटी में इधर उधर भटक पिटक सकते हो, सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो काफ़ी ऑसम गेम है दोस्तों, क्वालिटी भी आपको निराश नहीं करेगा। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है दोस्तों यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 1.5 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 256 MB नीड है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम डी में गेम आराम से चल जाएगा। इसकी बात करें तो 8 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना अपने पीसीआर लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल करने का माने तो क्यों रुके हो, जाके नीचे लिंक है, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो बल्कि बढ़ते हैं हमारे 13 नंबर वाले गेम के ऊपर। 13 गेम निकल के आता है, वो वन ऑफ द बेस्ट गेम निकल के आता है वेल गाइस, मैं और कोई नहीं मेडल ऑफ ऑनर 2010 की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी या बैटल फील्ड का गेम खेला होगा तो भैया उन सभी का क्रेडिट ऑफ ऑनर 2010 ही को जाता है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट गेम है। बट अनफॉर्चुनेटली इसका अभी तक का कोई भी एक अपडेट नहीं आया है। बट वेट, ये गेम ऑलमोस्ट फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम के कैटेगरी में आता है। एंड भैया इसे डेवलप किया गया था डाइस गेम के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीका से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी क्या कहना, सुपर ग्राफिक क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ जो गेम का मिशंस या टास्क दिए जाते हैं जिनको आपको कंप्लीट करना रहता है, एंड भैया जब आप मिशंस कंप्लीट करोगे तो भाई आप अलग अलग कंट्री में यहाँ पर आप ट्रैवल करोगे। काफ़ी ओपी गेम होने वाला है यार, मतलब कतई जहर गेम है यार, आपको जरूर से इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया बस मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया 256 MB नीड है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें पेंटियम डी में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 9 GB का स्पेस ख्याल रखना अपने पीसीआर लैपटॉप पर इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। यार देखो अब तो आपका मन कर रहा होगा इंस्टॉल करने का, तो भैया कोई बात नहीं, घबराने का नीचे आराम से जाओ, लिंक है, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 3 नंबर गेम की ओर। एंड वेल गाइस लिस्ट में हमारा जो 14th गेम आता है उस गेम का नाम है नीड फॉर स्पीड रिवल्स। एंड वेल गाइस नीड फॉर स्पीड रिवल्स की बात करें तो भैया एक 2013 का काफी ओपी रेसिंग गेम रह चुका है, अभी भी काफी पॉपुलर है। अगर आप एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम की तलाश में तो भैया नीड फॉर स्पीड रिवल्स सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि पहली बात तो ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। दूसरी बात ये आपके लो एंड पीसीआर लैपटॉप पे काफी मक्खन जैसा चलता है, कोई इसका हाई सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड तीसरी बात कि भैया इसमें आपको काफ़ी रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। साथ साथ जो व्यू रहता है जब आप इस गेम में रेसिंग करते हो तो टोटली ओपन वर्ल्ड का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। सर यहाँ पर अलग अलग कंट्री में आपका जो रेसिंग होता है तो भैया काफ़ी ओपी गेम होने वाला है अगर आप एक ओपन वर्ल्ड रेसिंग गेम खोज रहे हो। कि सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया काफ़ी कम है। रैम की बात करें तो मात्र 3 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया इंटेल कोर ट्यूडियो में ये आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 25 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसीआर लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। मन कर रहा है, खेलना चाहते हो, नहीं बोलूंगा बार बार यार, नीचे लिंक है, जाके ट्राई कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे नंबर 15 गेम की ओर। जो हमारा 15th नंबर वाला गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्लीपिंग डॉग। एंड आप सभी जानते हैं स्क्वायर यूनिक्स का सबसे ओपी गेम रह चुका है स्लीपिंग डॉग। बात करें तो भैया एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जहां पर आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं, आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिल जाता है। इस गेम का जो मैप है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ जब यहाँ पर आप गेम का मिशंस करोगे तो भैया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी एडवेंचर से भरा होने वाला है। यहाँ पर आप एक गैंगस्टर का किरदार निभाते हो एंड सच बताऊँ तो काफ़ी ओपी गेम होने वाला है। अगर आप एक ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं विथ हाई ग्राफिक्स तो भैया स्लीपिंग डॉग सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया सिर्फ 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मैंने 512 MB नीड है। एंड दोस्तों
प्रोसेसर की बात करें तो कोड स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 15 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना। इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए मन कर रहा है, इंस्टॉल करना चाहते हो लेटेस्ट अपडेट, तो भैया क्यों वेट कर रहे हो, जो मैं बोलते आ रहा हूँ वही करो यार। ऑलराइट, तो बल्कि बढ़ते हैं हमारे नंबर 16 गेम के ऊपर। बल्कि जो हमारा नंबर 16 गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2। तो बल्कि इस कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 की बात करें तो भैया एक 2009 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है। डेवलप एंड पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया टोटली गेम वॉर के ऊपर डिपेंड है। किरदार निभाते हो एंड यहाँ पर आपको काफी सारे टास्क दिए जाते हैं। आपको अपने एनिमी के बेस को डिस्ट्रॉय करना रहता है एंड वहाँ पर कैप्चर करना रहता है। वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ पर आपको ओपन वर्ल्ड व्यू का यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। यहाँ पर आप अलग अलग कंट्री पे यहाँ पर आप ट्रैवल करोगे। काफी इंटरेस्टिंग गेम है, एक्शन एडवेंचर से भरा हुआ गेम खेलना चाहते हैं जो कि वॉर के साथ हो, तो कॉल मॉडर्न वॉरफेयर 2 सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। वेल गाइस, ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी मिल जाता है आपके लो एंड पीसी के हिसाब से। तो वेल गाइस, इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 16 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। इंस्टॉल करने का मन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कूद फान के जाओ। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हो उस गेम को। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे नंबर 17 गेम की। 17 नंबर वाला गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है असैसिन्स क्रीड 3। असैसिन्स क्रीड 3 की बात करें तो भैया 2020 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। एक्शन एडवेंचर से भरा हुआ गेम खेलना चाहते हैं जिसका ग्राफिक्स क्वालिटी अच्छा रियलिस्टिक हो, तो भैया असैसिन्स क्रीड 3 सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि इस गेम में आपको काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ गेम का जो मिशन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिल जाता है। टोटली गेम ओपन वर्ल्ड में बेस है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका गेम का मैप मिलता है वो टोटली ओपन वर्ल्ड मिलता है। क्रीड 3 की बात करें तो भैया गेम का क्या कहना, गेम अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपने इस गेम को अभी तक नहीं खेला तो जरूर से एक बार जरूर खेलना। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 12 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी लैपटॉप पर इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। गेम को इंस्टॉल करना चाहते हो तो भैया किस बात के लिए रुके हुए, कूद फंद के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे नंबर 18 गेम। बल्कि जो हमारा 18th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स। एंड वेल गाइस, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स 2010 का एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया एक्टिविजन के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम काफी ओपी है। यहाँ पे आपको वॉर बोर्ड देखने को मिल जाता है, मतलब इस गेम में भी आपको अपने एनिमी के बेस को तबाह करना रहता है। इस गेम में भी आपको पूरा ओपन वर्ल्ड मैप का एक्सपीरियंस होने वाला है। इस गेम में भी आप जो मिशंस कंप्लीट करेंगे वो अलग अलग कंट्री में आप यहाँ पर ट्रैवल करके करोगे। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप एक ओपन वर्ल्ड शूटिंग गेम खेलना चाहते हैं तो भैया कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ओप्स सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो आपके लो एंड से लो पीसी लैपटॉप पे काफी आसानी तरीके से चल जाएगा। एंड भैया ग्राफिक्स क्वालिटी सच बताऊं तो काफी ओपी है। एक बार ट्राई करो तब नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना कि गेम कैसा है। तो बल्कि सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो भैया मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 256 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम काफी आसानी तरीके से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 12 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करने का मन कर रहा है तो भैया क्यों रुके हो, जाओ ना इंस्टॉल करके इस गेम का मजा लो। तो वेलगाइस, बढ़ते हमारे 19th गेम की ऊपर। 19th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है Far Cry 2। एंड Far Cry 2 की बात करें तो भैया एक 2008 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जिसे पब्लिश एंड डेवलप किया गया यूबीसॉफ्ट के द्वारा। गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम यहाँ पर आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो, मतलब दोनों मोड का यहाँ पर आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड बेस है, मजा आने वाला। अगर आप एक एडवेंचरस से भरा हुआ ओपन वर्ल्ड गेम खेल रहे हो तो Far Cry 2 सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। एंड भैया ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो नो कॉम्प्रोमाइज, ग्राफिक्स क्वालिटी काफी ओपी है। गेम पुराना है बट ग्राफिक्स क्वालिटी आपके लो एंड पीसी लैपटॉप के हिसाब से काफी ओपी है। Far Cry 2 की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें सिर्फ 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 56 MB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें
तो भैया मिनिमम आपके पास 8GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, मन कर रहा है, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं यार कैसा है सफारी गेम, कैसा लगता है, तो भैया लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे आखिरी गेम के ऊपर हमारा 20th नंबर वाला गेम है, उस गेम का नाम है मर्ड रनर। एंड मर्ड रनर की बात करें तो भैया एक ऑफ रोडिंग सिमुलेशन गेम है जिसे डेवलप किया गया है साइबर इंटरैक्टिव के द्वारा। बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है, बट ये सिंगल प्लेयर मोड भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम की बात करें तो ऑफ रोडिंग गेम है, यहाँ पर आपको टास्क दिए जाते हैं यार, आप वादियों से पहाड़ियों से अपने गाड़ी को आपको यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन में यहाँ पर आपको लेके जाना पड़ता है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मिशन दिए जाते हैं, मिशन को कम्प्लीट करते वक्त आपको काफ़ी ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ता है। तो भैया इस गेम में भी आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मैंने 512 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम से जाएगा। स्पेस की बात करें तो 2GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और आपका मन मान रहा है चलो इंस्टॉल करके देख ही लेते, थोड़ा ऑफ रोडिंग वोडिंग हो जाए भैया, तो बल गई इस लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। बस यही कुछ 20 गेम थे आपके लो एंड पीसी लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों ये गेम्स के सीरीज आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड अगर आपका ऐसा कुछ भी इंक्वायरी आता, कुछ भी दिक्कत आता, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लो। एंड कुछ भी दिक्कत आता प्लीज आप वहां पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अच्छे से रहना। जय हिंद, जय भारत।